पीएमसी हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। बनारस दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जहां विधान और विज्ञान का अनूठा संगम है। बनारस भले ही मंदिरों, खानपान, संस्कृति और सभ्यता के लिए, पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी बनारस ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। बनारस में चिकित्सा के क्षेत्र में पीएमसी हॉस्पिटल एक जाना माना नाम है। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया की दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। पीएमसी हॉस्पिटल के अंदर हर रोग का संपूर्ण इलाज मिल जाता है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड एवं आईएसओ तथा क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पीएमसी हॉस्पिटल पिछले 10 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाना जाता है। हॉस्पिटल में मुख्य रूप से स्त्री एवं प्रसूति एवं इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग, जनरल मेडिसिन, टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी विभाग तथा जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी एवं कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, दंत रोग विभाग तथा समस्त प्रकार की फिजियोथेरेपी एवं जांच, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराता आ रहा है। पिछले 10 वर्षों में पीएमसी हॉस्पिटल अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए आम जनमानस को उचित दर पर समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता आ रहा है। पीएमसी हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष ओपीडी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। धन्यवाद। पीएमसी हॉस्पिटल में अब आपको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन जैसे TURP, URSL, PCNL, दूरबीन द्वारा पेट एवं आंतों की जांच की सुविधा भी मिलती है। कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारी का इलाज पीएमसी हॉस्पिटल में संभव है। जब से हॉस्पिटल में हर प्रकार की कैंसर की जांच के साथ साथ कीमोथेरेपी एवं सर्जरी जैसी सुविधा भी दी जाती है। यहां आपको ECG, एक्सरे के साथ साथ रूटीन हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाती है। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, हेड ऑफ ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट एवं डायरेक्टर ऑफ पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। हम पिछले 10 वर्षों से अपनी उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं हर वर्ग की महिलाओं को देते आ रहे हैं। नॉर्मल एवं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की उचित देखभाल, नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन तथा इनफर्टिलिटी का संपूर्ण जाँच व इलाज उचित दरों पर उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाली समस्त बीमारियां जैसे कि महावारी की समस्या, गर्भाशय का ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, स्तन की गांठ का संपूर्ण इलाज दवाओं या तो ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। बच्चेदानी का बिना टाका ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, हिस्ट्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी की सुविधाएँ भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ उचित दरों में उपलब्ध करा सकें। पीएमसी हॉस्पिटल के नशा मुक्ति विभाग में शराब और ड्रग्स जैसी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू की है। पीएमसी हॉस्पिटल में 24 घंटे फार्मेसी, सेंट्रल कंट्रोल द्वारा ऑक्सीजन नाइट्रस तथा सेक्शन की भी सुविधा, अल्ट्रासाउंड एवं डिजिटल एक्सरे की सुविधा, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी विभाग जैसे एडवांस फैसिलिटी प्रदान की जाती है। हमने अपनी सुविधाओं और चिकित्सा के तरीकों में कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है। हमारी कोशिश रही है कि हम आपके चेहरे पर हमेशा खुशियां लौटा सके। मेरा नाम संतोष कुमार चौरसिया, मैं औरंगाबाद में
रहता हूँ। मेरा पोता तरुण कुमार चौरसिया जो कि इस समय 13 वर्ष का है, मैं इसके पूर्व उस बच्चे को लेकर आज से 6 साल पहले तक कई डॉक्टरों के पास मैं गया। उसको पहले शुरू में सर्दी जुकाम वगैरह काफ़ी होता था, लेकिन वो मैं कई डॉक्टर जाने के बाद निराश हो गया, तो मैं 2-3 डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात मैं यहाँ पे PMC में डॉक्टर संजय कुमार चौरसिया जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, मैं उनको दिखाने के बाद उनके ट्रीटमेंट शुरू किया। शुरू में मैंने उन्होंने फिर देख के बताया 2-3 महीने पश्चात किसको अस्थमा का हो सकता है, अस्थमा का दौरा भी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस हॉस्पिटल में PMC हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा मिली, यहाँ पे सभी चीज़ों की व्यवस्था है। आपको छोटे बच्चे नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष सुविधा है, और सांस संबंधी बीमारी के लिए मैं आपको आगाह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, किसी भी परेशानी हो आप यहाँ आए और अपना स्वास्थ्य ठीक करें और यहाँ दिखाकर उसका लाभ लें। हम लोग रावर्सगंज के रहने वाले हैं। हमारे बच्चे को 6.5 साल पहले गिल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर हमें हमारे रिलेटिव एक बताया डॉक्टर संजय चौरसिया जी के बारे में। फिर हम लोग यहाँ आए, डॉक्टर साहब ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। कई डॉक्टर उसको ऑपरेट करने के लिए बोले, लेकिन ये डॉक्टर संजय चौरसिया जी ने उसको निडिल के द्वारा उसको गिल्टी को निकाल दिए, जिससे हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आगे हम लोग जो भी बच्चे घर में पैदा हुए, कुछ लोगों को निमोनिया कुछ बच्चों को हो गई थी, जिसको डॉक्टर साहब को दिखाए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और हम लोग वहाँ लोकल डॉक्टरों को दिखा के आगे से हमेशा डॉक्टर संजय चौरसिया जी को ही दिखाते हैं। इनका विश्वास, इनके ऊपर हम लोग को पूरा विश्वास है। और फालतू की दवा ना लिख के जो ज़रूरत की दवाएँ हैं बस वही लिखते हैं, सबसे अच्छी बात इनकी यही लगती है हम लोगों को। बाकी यहाँ के जो स्टाफ हैं वो एकदम हेल्पफुल व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाकी सबको सजेस्ट भी करते हैं, कई लोग सजेस्ट भी किए यहाँ आने के लिए सोनभद्र से, कई लोग आए भी ठीक होके गए भी, जो बताते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे। बाकी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम यही सजेस्ट करें कि डॉक्टर संजय चौरसिया जी को PMC हॉस्पिटल में दिखाएं, ताकि लोग अच्छा रिस्पांस पा सकें और फालतू के इधर उधर चक्कर में ना पड़े, और हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट करा के घर वापस जाएं। PMC Hospital, Habitat for Humanity. Ravindrapuri Extension behind Durga Kund, Varanasi.